सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey students, in this video we will talk about animal tissue. First of all, we will see the classification of animal tissue. Animal tissue is of following type. First one is epithelial tissue. Next one is connecting tissue. Muscular tissue, and nervous tissue. These four type of tissue are present in the animal. First of all, we will discuss about epithelial tissue. Epithelial tissue, on the basis of layers, how many layers of cells are present, it is of two type. First one is simple epithelial tissue and compound epithelial tissue. Simple epithelial tissue is of four type on the basis of shape of cell. कि कितने टाइप के किस तरह के सेल उस एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट हैं, उस बेसिस पे जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो फर्दर फोर और फाइव टाइप का है. फर्स्ट वन इज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइड एपिथेलियल टिश्यू, कोल्यूमनर epithelial tissue, pseudo stratified fired tissue, and the last one is ciliated epithelium tissue. These are the five type of simple epithelial tissue on the basis of shape of cell. मीन्स विच टाइप ऑफ सेल्स दे आर मेड अप ऑफ. कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का भी फर्दर ये क्लासिफिकेशन है, किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है कि जो एपिथेलियल जो लेयर बनी है वो किस टाइप के सेल उसमें प्रेजेंट है. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है. एपिथेलियल टिश्यू वो है जो भी किसी भी जो ऑर्गन है उसकी लाइनिंग बनाएगा, किसी जो ऑर्गन है उसको जो कवर जो करता है उसको कहा जाता है एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू का स्पेसिफिसिटी ये होती है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है विच इज़ द बेसमेंट, द बेस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू इज बेसमेंट मेम्ब्रेन. इट लाइज ऑन द नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन. कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, फॉर एग्जांपल कि ये कोई एक लेयर है सेल की, ये जो एपिथेलियल टिश्यू जो होगा वो एक लेयर लाइक टिश्यू होता है जो कि किसी भी ऑर्गन के ऊपर कवरिंग बनाता है या हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है उसकी लाइनिंग फॉर्म करता है, उसे एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है. अब जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसमें क्या होता है कि सिंगल लेयर की कवरिंग होती है, और जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसमें मोर देन वन लेयर जो सेल्स की जो लेयर है वो आपस में अरेंज होती हैं. जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, उसकी जो थिकनेस है वो सिंगल लेयर की होती है, और जो किसके ऊपर लाई करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करती है. बेसमेंट मेम्ब्रेन इज जेली लाइक बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेलुलर जेली लाइक लेयर प्रेजेंट बीनीथ द एपिथेलियल लेयर ऑफ द सेल. कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो उनकी खासियत ये होती है कि जो लेयर जो होगी टिश्यू की, जो सेल्स की जो लेयर होगी उसके नीचे जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करती है, और एपिथेलियल टिश्यू में कोई भी नर्वस टिश्यू या नर्वस कनेक्शन या फिर सेंसरी टाइप का कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है. नर्वस सेल्स मतलब नहीं प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर. तो एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ
हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द टिश्यू इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज सिंपल. सिंपल में क्या है, सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होता है. और कंपाउंड में देखिए, ये हो गया सिंपल का एग्जाम्पल. और कंपाउंड में क्या है कि जो सेल की मोर देन वन लेयर प्रेजेंट होगी और ओनली सिंगल लेयर ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाए करती होगी, उसे कंपाउंड एपिथीलियम कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ये थ्री लेयर्स होगी और इसके नीचे लास्ट वाली लाइन के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. कंपाउंड इसलिए बोला है कि मोर देन वन लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है. इसे अब यहाँ पर हो गया ये बेसमेंट मेम्ब्रेन. सिंपल और कंपाउंड में यही डिफरेंस है कि जो सिंपल एपिथीलियल लेयर है वो सिंगल लेयर की बनी होगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होगी. और कंपाउंड एपिथीलियल जो है वो मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट वन अनदर एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन लाए ओनली बीनीथ द वन लेयर ऑफ द सेल. कि सिर्फ एक लेयर जो है वही अटैच होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन से, बाकी की जो लेयर है वो एक दूसरे के ऊपर अटैच होती है. इसीलिए इसे कंपाउंड कहा जाता है क्योंकि मोर देन वन लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है. और सिंपल है, यहाँ पर ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द सिंपल एपिथीलियल टिश्यू. अब जो ऑन द बेसिस ऑफ कि ये जो लेयर्स जो बनी है वो किस तरह के सेल से, किस टाइप ऑफ सेल से बनी है, उस बेसिस पे जो एपिथीलियल सिंपल एपिथीलियल टिश्यू है वो फाइव तरह का है फर्दर. फर्स्ट वन इज स्क्वैमस एपिथीलियम. स्क्वैमस एपिथीलियम जो टिश्यू होता है वो सिंगल लेयर जो होती है वो फ्लैट सेल्स की बनी होती है. मीन्स फॉर एग्जाम्पल, ये फ्लैट, इसके जो सेल्स हैं वो फ्लैट होते हैं बिल्कुल टाइल्स की तरह. देर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द लेयर. कि ये जो लेयर्स, सेल की जो लेयर हैं ये एक दूसरे से इतने पास पास अटैच होती हैं कि बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस इन सेल्स के बीच में नहीं होता. इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है कि दो सेल्स जब आपस में अटैच होते हैं तो उनके बीच में जो ये गैप रह जाता है इसे इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है. तो जो स्क्वैमस एपिथीलियम जो है वो फ्लैट सेल्स की लेयर होती है. उनका जो सरफेस है वो उभरा हुआ नहीं है, बिल्कुल फ्लैट होता है. जैसे फ्लोर के ऊपर हम टाइल्स लगाते हैं विदाउट गैप, ऐसे ही जो स्क्वैमस एपिथीलियम है वो दिखने में ऊपर से टॉप व्यू जो उसका होता है वो ऐसा ही होता है कि जो टाइल्स हैं वो एक दूसरे से अटैच कर दिए हैं बिना गैप के. ये तो हो गया स्क्वैमस एपिथीलियम. उसके बाद है क्यूबॉइडल एपिथीलियम. क्यूबॉइडल एपिथीलियम इज लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स. जो सेल्स हैं इसके, देखिए हमने अभी पहले बात कर चुके हैं कि जो ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, कि सेल्स की कैसी शेप है उसी बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन है कि ये स्क्वायर लाइक क्यूब लाइक सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल एपिथीलियम में. ये देखिए, ये हो गया क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू जिसके जो सेल्स हैं वो क्यूब लाइक हैं. उसके बाद है कोल्यूमनर एपिथीलियल टिश्यू. कोल्यूमनर एपिथीलियल के जो सेल्स होते हैं वो कॉलम लाइक और पिलर लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं. मीन्स ऐसे लॉन्ग सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर इनके, ये कॉलम लाइक सेल्स जो प्रेजेंट हैं. दिस इज कोल्यूमनर एपिथीलियम. दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन. यहाँ पर भी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, यहाँ पर भी बेसमेंट, क्योंकि जो एपिथीलियल टिश्यू है उसका ये कन्फर्म है इट लाइज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये जो नीचे जेली लाइक सब्सटेंस की एक जो लेयर होती है उसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है. ये नॉन सेलुलर लेयर है. तो हर टिश्यू में ये जो सिंपल एपिथीलियल टिश्यू है इसमें मिलेगी ये, तो कोल्यूमनर एपिथीलियम. उसके बाद है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू. स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कोलम लाइक, और दो तरह के सेल्स होते हैं, कोलम लाइक और ट्रायंगुलर शेप्ड सेल्स होते हैं. वो देखिए उसमें कैसे दिखेगा. यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ. कुछ सेल्स जो हैं वो कॉलम लाइक है, जो ऊपर से ब्रॉडन होंगे और नीचे से टैपर होंगे इस तरह के. देखिए ये कुछ ट्रायंगुलर शेप्ड सेल्स प्रेजेंट है, ये कॉलम लाइक सेल्स हो गए. ये जो मैं शेडेड एरिया जो कर रही हूँ ये कॉलम लाइक सेल्स, और इनके बीच में जो ये ट्रायंगुलर शेप जो सेल्स बच गए इन्हें, अब देखिए ये कम्प्लीटली शूडोस्ट इसके जैसी नहीं है, कोलोमनर जैसी भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा अलग दिख रही है. इसे शूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम कहा है. शूडो स्ट्रेटिफाइड और कोलोमनर में डिफरेंस यही है कि कुछ सेल्स इसके कॉलम लाइक होते हैं और कुछ सेल्स इसके ट्रायंगुलर शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. द लास्ट वन इज एपिथीलियल सीलिएटेड एपिथीलियम टिश्यू. सीलिएटेड एपिथीलियम टिश्यू जो होता है उसकी जो टिश्यूज की जो सेल्स की जो लेयर है उस सेल्स के जो फ्री सरफेस होता है, फ्री सरफेस मीन्स ये वाला जो सरफेस है ऊपर का, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो ऑपोजिट वाला जो सरफेस है उसके ऊपर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम इसी में ड्रॉ कर दें तो ये ऐसे
हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें सीलिया बोलते हैं। इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्मॉल जो हेयर्स होते हैं उन्हें सीलिया कहा जाता है। तो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसीलिए इसको सीलिएटेड एपिथीलियम टिश्यू भी कहा जाता है। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथीलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द लेयर। कि अगर फ्लैट सेल्स प्रेजेंट हैं तो स्क्वैमस एपिथीलियम, क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट हैं तो कॉल्यूमनर क्यूबॉइड एपिथीलियम, कोलम लाइक सेल्स प्रेजेंट हैं तो कॉल्यूमनर एपिथीलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो टिश्यू सेल्स कैसे होंगे कि कुछ कोलम लाइक और कुछ ट्रायंगुलर शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। द लास्ट वन इज सीलिएटेड एपिथीलियम। सीलिएटेड एपिथीलियम इनमें से सेल की शेप कुछ भी हो सकती है लेकिन उसके जो सरफेस है यहाँ पर फ्री सरफेस पे सीलिया लाइक हेयर लाइक फाइन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसेस को किसी और पार्टिकल्स को बीट करके एक किसी एक डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। इसका फंक्शन यही होता है। तो दीज आर द सीलिएटेड एपिथीलियल टिश्यू। सीलिएटेड एपिथीलियल में क्या होगा कि सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होंगे सेल्स की जो लेयर है उसके ऊपर। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथीलियल ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथीलियल टिश्यू इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन।